हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। मंदसौर जिले में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत 1200 व्यक्तियों द्वारा की गई सार्थक लाइट एप्लीकेशन डाउनलोड। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका घर घर जाकर दे रही है सार्थक ऐप की जानकारी। मंदसौर जिले में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत सार्थक लाइट एप्लीकेशन आम नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य की लोकेशन, फीवर क्लिनिक की लोकेशन तथा हेल्थ बुलेटिन इत्यादि की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। हमें अपना उपचार नजदीकी स्वास्थ्य संस्था पर कहां उपलब्ध हो सकेगा तथा कहां पर सैंपल दे सकते हैं, इसको गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर रजिस्टर हो सकते हैं। अभी तक जिले में 1200 व्यक्तियों द्वारा सार्थक लाइट एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। सार्थक ऐप में संदिग्ध मरीजों की होगी प्रविष्टि। किल कोरोना अभियान में सर्वे द्वारा कोरोना संदिग्ध मरीजों के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के संदिग्ध मरीजों को भी चिन्हांकित कर इनकी प्रविष्टि सार्थक ऐप में की जाएगी। COVID-19 के संदिग्धों की जिनकी प्रविष्टि सार्थक ऐप पर की जाती है, संबंधित क्षेत्रों के मरीजों की सैंपलिंग की जाएगी। रोजाना चिन्हित किए गए संदिग्धों की सैंपलिंग के बाद उनकी टेस्टिंग भी की जाएगी। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।